चलो अब हमारा प्रेयर खत्म हुआ। अब जो है हम व्याकरण का रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है उसका कर रहे हैं। अभ्यास पत्र एक, अभ्यास पत्र दो हमने फिनिश कर लिया है। अब हम आज करेंगे अभ्यास पत्र तीन। अभ्यास पत्र तीन में क्या क्या है? संज्ञा, लिंग, वचन, ये तीनों है। अब इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं इन तीनों का थोड़ा, उसके बाद हम इन तीनों को करेंगे। ओके बच्चों, चलो सबसे पहले हम करते हैं संज्ञा का रिवीजन। यानी संज्ञा नाम बताने वाले शब्द, नाउन। देखो यहाँ दिया है, राम रहीम खेले खेल, देखो कितनी लंबी रेल, बोलो कैसे पहचाना, नाम से समझा नाम से जाना। देखो यहाँ कोटेशन जो दिया है, इसमें राम रहीम खेल खेल रहे हैं, पर अगर हमें उनका नाम नहीं पता हो तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कौन राम है कौन रहीम है, है ना? तो जो नाम बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो ये पेड़ है, तो इस ये चित्र है, सॉरी ये पिक्चर है, चित्र जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। आपकी मम्मी अगर आपको बुलाना चाहती है तो कैसे बुलाएंगी, इतने बच्चों में कैसे बुलाएंगी, आपका नाम लेके बुलाएंगी, है ना? कि आपकी तरह सभी दोस्तों के भी नाम होंगे। हर व्यक्ति वस्तु और स्थान का नाम होता है ना, हर व्यक्ति यानी हर आदमी हर औरत का एक नाम होता है, हर लड़का लड़की का नाम होता है, वस्तु यानी थिंग सामान जो चीज़ें होती है उनका भी नाम होता है, स्थान यानी जगह है ना उसका भी नाम होता है। अगर हम पूछे आप कहाँ रहते हो तो आप नाम बताओगे ना कि हम मोरबी में रहते हैं, तो मोरबी क्या हो गया संज्ञा। आपका क्या नाम है तो आप अपना नाम बताओगे, जैसे मेरा नाम अर्चना है, तो आपको अगर बोलना है कि आपको हिंदी कौन पढ़ाता है तो कौन सी मैम, आप बोलोगे अर्चना मैम, तो अर्चना क्या हो गया संज्ञा हो गया। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो मोरबी में तो बहुत सारे स्कूल हैं, पर हमें अपने स्कूल का नाम बताना है, न्यूएरा ग्लोबल स्कूल, तो न्यूएरा ग्लोबल क्या हो गया, वो हो गया संज्ञा, है ना? तो नाम हमारी पहचान होती है, हर चीज़ों की नाम पहचान होती है,
हर चीज़ को हम नाम से जानते हैं, है ना। दिया है डेफिनेशन, परिभाषा, कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो फलों के नाम है केला, सेब, आम, अंगूर। सब्जियों के नाम है, ये तो सब्जियां सब हो गई, बट इनके नाम है ना, हम बिना नाम के कैसे जानेंगे कौन सी सब्जी है। आलू, गोभी, मटर, टमाटर, है ना, जो इस सीजन में मिल रहा है। वाहनों के नाम, कार, बस, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, ये है ना व्हीकल जो बोलते हैं, कार, बस, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, ये वाहन है जिससे हम सफ़र करते हैं, घूमने जाते हैं। पक्षियों के नाम, कोयल, तोता, चिड़िया, मोर। जैसे मान लो कि हमारा अगर स्कूलों के नाम हो तो स्कूल में आता है न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, न्यू एरा किड्स, फिर न्यू एरा ग्लोबल किड्स का आता है प्ले हाउस हमारा। तो हमारे ही स्कूल के कई नाम हैं, है ना। इसी तरह लोगों, फूल, वस्तुओं, शहरों, देशों, पहनने के कपड़े, बर्तनों, पढ़ने लिखने की वस्तुओं, कमरे के सामान और कक्षा में रखे सामान आदि के भी नाम होते हैं। अब दूसरा हमारा है लिंग, लड़का लड़की, जेंडर। देखो चाचा, मामा, मौसा, भाई, सब लड़के कहलाते हैं। चाची, मामी, मौसी, बहन, लिंग बदल बन जाते हैं। जैसे लड़का और लड़की होता है, ठीक है, सभी नाम लड़का या लड़की होते हैं। लड़का शब्द पुरुष यानी मैन, आदमी, पुलिंग को बताता है। लड़की शब्द स्त्री या स्त्रीलिंग को बताता है, स्त्री यानी वोमेन। आओ कुछ और लड़का लड़की शब्दों को जाने। लड़का देखो कौन है, आदमी। आदमी का लिंग बदलना हो तो क्या होगा, औरत। बेटा, बेटी, भाई, बहन, मौसा, मौसी, फूफा, बुआ, पिता, माता, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, छात्र, छात्रा, ताऊ, ताई, और उसके बाद शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, कबूतर, कबूतरी, ऊंट, ऊंटनी। तो ये हमारे लड़का और लड़की है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब देखो हमारा आ गया नंबर, यानी वचन, एक, अनेक। अब देखो इसका कोटेशन है, एक अकेला कहलाता एक, एक से जब दो हो जाते या दो से ज़्यादा हो जाते तो मिलकर अनेक कहलाते। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होता है तो वह, या दो, दो से ज़्यादा होता है तो अनेक। अब देखो इस टोकरी में रखे फल गिनो और नीचे लिखी उनकी संख्या पढ़ो। शरीफा, शरीफा, देखो यहाँ ये रहा, ये शरीफा है, तो शरीफा एक है, है ना। तो हमने यहाँ एक लिख दिया। तरबूज, तरबूज भी यहाँ देखो एक है, ये रहा तरबूज, तो हमने यहाँ तरबूज एक लिख दिया। अनार भी एक है, देखो यहाँ अनार है, ये भी एक ही है, तो यहाँ एक लिख दिया। फिर देखो यहाँ सेब दो हैं, सेब ये जो है ये भी सेब है, ये भी सेब है, ये दो है। फिर उसके बाद देखो केले, केले कितने हैं, केले यहाँ जो है, अब देखो केले कितने हैं, अब हम काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, केले कितने हैं, तीन है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीन। फिर आम कितने हैं, अब हम काउंट करेंगे आम, आम कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, आम कितने हैं हमारे, चार हैं, तो हम यहाँ आम कितना लिखेंगे, चार। तो ये हो गए। कोई भी चीज़ जब एक से ज़्यादा होती है तो अनेक कहते हैं। यहाँ सेब, केले
और आम अनेक है। जैसे देखो, शरीफा एक, तरबूज एक, अनार एक, पर सेब अनेक, केले अनेक और आम अनेक है, है ना। अब देखो, जिस अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अब कुछ अनेक और अनेक शब्द देखते हैं। छाता छाते, लड़का लड़के, तारा तारे, केला केले, सड़क सड़कें, आँख आँखें, तितली तितलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, बकरी बकरियाँ, माला मालाएँ, कक्षा कक्षाएँ। तो ये हो गए हमारे एक और अनेक। एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना वचन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, क्या सीखा हमने, क्या जाना। संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक होती है तो उसे एक वचन यानी सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज़्यादा होती है तो उसे बहुवचन यानी प्लूरल कहते हैं। ओके, चलो अब हम अपना अभ्यास पत्र करेंगे। अभ्यास पत्र में है हमने जो रिविजन किया है, संज्ञा लिंग वचन। अब यहाँ आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ हिंदी में आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा प्रथम, तिथि यानी डेट जो होगा। ओके, फिर अब हम शुरू करते हैं शब्दों को, और शब्दों और चित्रों का मिलान करो, शब्दों और चित्रों का मिलान करो। अब देखो, ये जो दिया है एक पैसा है, जो अभी इस ज़माने में नहीं चलता है ना, पर पहले एक पैसा चलता था। एक पैसा, पैसे से मिलाएंगे। ये जो है ये कप है, ये लीची है, ठीक है, ये आम है, ये तितली है, ये मोर है। तो ये हमने चित्रों से मिला दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ दिया है दो दो फलों के नाम लिखो। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ लिखा है जो वही आपको लिखना है, आप दूसरे फल भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया है ये लीची दिया है, ये आम दिया है, मैं यहाँ लिख रही हूँ संतरा सेब। तो ज़रूरी नहीं है कि आप संतरा और सेब ही लिखें, आप कोई भी दो फल के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वाहन कार बस, वाहन में भी सेम है, आपको जो पसंद हो वो लिख सकते हैं। फिर पशु, पशु में मैं लिखी हूँ बंदर और हाथी, पर आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। त्यौहार दिवाली होली, आपको जो त्यौहार अच्छा लगता है आप उस त्यौहार के नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गए फल, वाहन, पशु, त्यौहार। फल में संतरा सेब, वाहन कार बस, पशु बंदर और हाथी, त्यौहार दिवाली और होली। अब इसके बाद है जंगल में भगदड़ मच गई है, सारे लड़के लड़कियां अलग अलग हो गए हैं, उन्हें रेखा खींच कर मिलाओ। ये तो बहुत ही अच्छा है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, लिंग बदलो, है ना। अब पहला शेर है, तो शेर की क्या होती है, शेरनी। फिर मोर है तो मोरनी, बैल है तो गाय, घोड़ा है तो घोड़ी, है ना। शेर तो शेरनी, मोर तो मोरनी, बैल की, बैल का गाय, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है। अब देखो, यहाँ फिर दिया है लिंग बदलो, गुड्डा, ये तो क्या होगा, गुड़िया। फिर बेटा बेटी, राजा रानी, माता तो पिता, पपे छोटी की मात्रा पी, तपे आ की मात्रा ता, पिता, है ना। फिर देखो, यहाँ दिया है एक और अनेक छांटकर सही जगह पर लिखो, एक और अनेक छांटकर सही जगह पर लिखो। पहला है देखो, यहाँ संकेत बिंदु भी दिया है, एक वचन हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। पहले एक वचन देख ले, नदियाँ, नदियाँ एक वचन नहीं होता है, नदी होता है। तितलियाँ एक वचन नहीं होता है, तितलियाँ तितली होता है। मछली, मछली एक वचन। किताबें, नहीं, किताब एक वचन। मुर्गा एक वचन। तोता एक वचन। घड़ी एक वचन। तो ये हो गई मछली, मुर्गा, तोता, घड़ी, ये सारे एक वचन हैं, और जो बचे वो बहुवचन हैं। नदियाँ, तितलियाँ,
किताबें झूलें, ये सारे बहुवचन हैं। ठीक है, एक वचन में क्या है, मछली, मुर्गा, तोता, घड़ी। बहुवचन, नदियाँ, तितलियाँ, किताबें, झूले। अब वचन बदलो, जूता तो जूते, पैसा तो पैसे। ठीक है, फिर ख है माला, मालाएं, लता, लताएं। फिर ग है लड़की, लड़कियाँ, बकरी, बकरियाँ। घ है सड़क, सड़के, आँख, आँखें। तो ये हमारे हो गए वचन बदलो, जूता तो जूते, पैसा पैसे, माला मालाएं, लता लताएं, सड़क सड़के, आँख आँखें, लड़की लड़कियाँ, बकरी बकरियाँ। तो ये हो गया हमारा लिंग संज्ञा लिंग वचन, इसका अभ्यास पत्र 3 रिवीजन। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा अभ्यास पत्र 3 का रिवीजन। अब अगले वीडियो में हम अभ्यास पत्र 4 का रिवीजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब इसमें जो है वो सब तो सेम होगा, बट ये हाँ जो दिया है फल, वाहन, पशु और त्यौहार, ये आप लोगों को अपनी मर्जी से लिखना है तो लिख सकते हैं। ग्रामर में ये ज़रूरी नहीं है कि फल में मैम ने संतरा लिखा, सेब लिखा, तो हमें भी संतरा और सेब लिखना है। नहीं, आप लीची और आम भी लिख सकते हैं, और भी फल हैं, अंगूर हैं, है ना, चीकू हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। वाहन में कार और बस, ये भी आप नहीं लिख सकते, आपको जो लिखना आइए लिखें तो लिखें, अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। एरोप्लेन, हवाई जहाज़ आ जाएगा, ट्रेन, रेलगाड़ी आ जाएगी। पशु में बंदर, हाथी हैं, तो आप घोड़ा, घोड़ा और गाय और बैल, घोड़ा भी लिख सकते हैं। त्यौहार में दिवाली, होली है, तो आप क्या है, ईद और क्रिसमस भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो फेस्टिवल आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। बाय एवरीवन।